अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। गुड मॉर्निंग, सुबह का ख्याल उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमें दो में याद रखें, हंसते मुस्कराते रहें फूलों की तरह। हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो छाछ मैंने लगा ली है, आटा गूँद रही हूँ और फिर जो है तंदूर गर्म करूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैर खरिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से आप सब बहन भाइयों की दुआओं से आपका भाई अल्ताफ़ बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारा देखने वाले सुनने वाले जहां भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी सम्मान में रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला सबको सेहत कामिल आज अल्लाह फरमाए, और जो परेशान हाल है अल्लाह ताला हमारे तमाम देखने वालों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, और जो बे औलाद है अल्लाह ताला सबको औलाद नरीन अता फरमाए। तो इसी दुआओं के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि हम जो ये वीडियो अपलोड करें फौरन आपके पास पहुंच जाए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो चुकी है और आपकी खिदमत में आपका भाई हो गया हाजिर। माशाल्लाह से सुबह सुबह के टाइम परिंदों की चहचह और मेंढक की आवाज़ें, अभी जो है ना मेंढक ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रहा था, खुश हो रहे थे। इधर कल लगा है पानी, जब पानी रकबों में आता है ना तो मेंढक वगैरह भी खुश होते हैं। तो मैं सुबह सुबह के टाइम थोड़ी बहुत वॉक कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं आता हूँ बच्चों के पास, बच्चों के आके देखता हूँ कि किस हाल में है, और आप सब बहन भाइयों को भी दिखाते हैं। तो मैं पहुँच चुका हूँ अपने पुराने घर में। तो बछड़े माशाल्लाह कुछ चारा खा रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं। ये देखें जी माशाल्लाह तीन बछड़े चारा खा रहे हैं, दो बछड़े आराम कर रहे हैं, और इधर जी तंदूर भी गर्म हो रहा है भाभियों का। जी तो वाक भी हो गई, खेतों का चक्कर भी लग गया, बच्चों को भी देख लिया और चल फिर भी लिया। अब जा रहा हूँ मैं घर और चल के जो है ना फिर नाश्ता करेंगे। नाश्ता भी बन रहा है, यानी कि तैयारी हो रही है नाश्ते की। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, महसूस हो रहा है
क्योंकि आज तीसरा चौथा दिन है, गर्मी बढ़ गई है, जून का महीना है, गर्मियों ने तो आना है। पहले अल्हम्दुलिल्लाह गर्मियों का बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन अब जो है ना गर्मियाँ बताएंगी। हालांकि सुबह का टाइम है और ये देख सकते हैं आप सूरज यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही है, यानी कि जैसे तपश होती है ना ऐसे महसूस हो रही है। चलो अगवाट, अब चलते हैं अंदर। और तंदूर भी गर्म हो रहा था, वो तकरीबन गर्म हो चुका होगा। और इधर जी चार पहिया रख दिए, यहाँ पे बैठ के हम नाश्ता करते हैं। लस्सी अभी बन रही है और तंदूर भी गर्म हो रहा है। बस 5 मिनट तक तंदूर भी गर्म हो जाएगा। फाइनली लस्सी तैयार हो चुकी है, अब मक्खन निकालने का, इकट्ठा करने का। ये देखेंगे तंदूर में जो है बस आखिरी लकड़ी जल रही है, एक तो निकली हुई है, ढठी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है जी मक्खा। अब आसानी के साथ ये मक्खन मट्टी के अंदर ही इकट्ठा कर लेती है। हाँ जी, पहले जना तरीका नहीं आता था, जब देखा सभी माँ को बनाते हुए तो फिर जना तरीका हो गया। अब ये ट्रेंड हो गई है जी, मक्खन लगाने निकालने की। हाँ जी, जी आ गई जी चार पाई पे। अब तो देखना कौन आ जाए, वो लोग कौन कौन कर रहा है। हाँ जी, ये तो इंतजार में बैठे रहते हैं मक्खन के दुश्मन जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दोपहर के रहते बनाएंगे ना, ये दोपहर के लिए जी। तो अम्मी जान ने प्याज भी बना ली है माशाल्लाह से, और इधर तंदूर भी गर्म हो चुका है और रोटियां भी लग रही हैं। ये देखेंगे आज प्याज के साथ खाएंगे, सहन के साथ प्याज आज हमने थोड़े से बनाया। सुबह के टाइम सालन में से नहीं खाया जाता, नहीं खाया जाता, तूरी का सालन प्याज के साथ खाएंगे। चलिए जैसे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तो फाइनली रोटियां लग चुकी हैं और अम्मी जान रोटियों पर मक्खन लगा रही है। और ये है जी मेरी रोटी। आज प्यारा बहन भैया नाश्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है, जिस बहन भाई ने नाश्ता करना है तो मोस्ट वेलकम, जल्दी से आ जाए। लस्सी भी तैयार है और प्याज भी है, प्याज भी है। सालन तो आप नहीं खाते? नहीं, सालन मैंने नहीं खाना। जिस बहन भाई ने आना है तो जल्दी से आ जाए, नाश्ता कर लें, फिर आप सबसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी नाश्ता हमने कर लिया, शुक्र अल्लाह ताला का। और ये देखें जी सारे कपड़े धो के इधर तार पे भी डाल दिए हैं बाजी ने, और इसमें मैं उधर चली गई, वो बच्चों का जो है ना भूसा लेना था, इधर भूसा लिया है तो बड़ी बाजी ने ये कपड़े दे दिए। हाँ जी, अभी भी मशीन लगी हुई है, ये देखें जी। मैं अभी आई, ये चक्कर इसका दूसरा चल रहा है, आखिरी कपड़े खत्म। अच्छा, सारे धुलाई हो चुके हैं? सारे धुलाई हो चुके हैं, इधर देखे हैं कपड़े, ये तो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल डाले हुए हैं, क्योंकि जगह है नहीं और तार छोटी है, इसलिए कपड़े के ऊपर कपड़ा, कपड़े के ऊपर कपड़ा, ये सूखते रहेंगे। हैं, तार ना टूट जाए। हाँ, यही ख्याल करना, तार ना टूट जाए, जाएगी अल्लाह खैर करेगा। आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है, ये देखें जी गर्मी तो बहुत ज्यादा है, शदीद किस्म की गर्मी हो रही है आज। पसीना है,
हाँ जी, पानी का काम भी कर रही हूँ लेकिन पसीना जो है ना वो ज्यादा आया हुआ। हाँ जी, ये वादे आप सबको दिख रहा होगा जी, कितना मास्क जो ना ये भी गीला हो चुका है पसीने की वजह से। चल अल्लाह खैर करे, बस ये आखिरी चक्कर है इसे निकाल। हाँ, फिर वहाँ का चक्कर भी लगाना है। किधर? मस्जिद का। अगर वो मशीन आ गई तो आज भराई करनी थी ना, उन्होंने कहा था कि आज कोशिश करेंगे। अच्छा। अगर आ गए तो फिर मुझे जाना पड़ेगा, आपको भी उनकी रोटी खाना वगैरह भी बनाना पड़ेगा लेबर का। अच्छा। हाँ, वो जो इधर मस्जिद प्लास्टर हो रही है वो तो आज छुट्टी है, जुम्मा है ना, वहाँ से आज छुट्टी की है। तो मशीन वालों ने, लंटर वालों ने कहा था कि आज हम कोशिश करेंगे कि छत डालें उसकी। फिर कॉल की है, पता किया? ये भी करता हूँ कॉल में। हाँ, पता करें कि वो, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अगर वो आ रहे हैं तो फिर जो है जल्दी जल्दी काम कर लेंगे। चलो पता करता हूँ मैं। हाँ जी, तो अब हम जा रहे हैं मस्जिद पे। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का काम जो है ना हो रहा है, आज उसका लंटर डाल रहा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो वहीं पर हम जा रहे हैं क्योंकि उनका खाना पकाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। आज गर्मी इतनी ज़्यादा है कैसे ना बनाऊंगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, शदीद किस्म की गर्मी है। चले अल्लाह खैर करेगा। हाँ जी, आपको क्या मसला है? हाँ, क्या मसला है खुबैर? ले आया मोटरसाइकिल हमारी, बाहर निकले तो कैप याद है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और सर जो है ना ऐसे अंगारे की तरह जलने लगता है। तो डेली का याद दिलवाता हूँ आपकी भाभी को कि जब हम बाहर जाने लगे तो टोपी याद दिलाना, तो फिर भी भूल गई। जब इधर हम बाहर आए, धूप मुझे लगी, सर गर्म हुआ, तो फिर मैंने याद दिलाया कि टोपी तो ले आओ। तो वो जो है ना अब टोपी लेने के लिए गई हुई है लेकिन लेट कर रही है, तकरीबन 5-7 मिनट हो गए हैं अभी तक नहीं आई टोपी ढूँढ के। मेरे ख्याल में उसे टोपी नहीं मिल रही होगी। शुक्र है, शुक्र है, मिल गई। इतनी देर लगा दी यार। आज भी मेरी भाभी जान आ गई थी, उसी ने जो है ना याद दिलाई कि आप जो धूप लगी ना मेरे सर पे। आप जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कुछ धूप से बच जाएंगे, सर भी बच जाएगा और चेहरा भी बच जाएगा धूप से। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंचने ही वाले हैं मस्जिद पे। ये देखें जी, ये विलेज माशाल्लाह, ये जंतर जानवर के लिए चारा है जी। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और ये देखें जी, माशाल्लाह मशीन भी आ चुकी है, सीमेंट कुछ बोरियां आई हुई है और इसकी जो है ना सेटिंग वगैरह कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह ताला इसकी छत की भराई होगी। ये देखें जी, शटरिंग जो है ना वो कम्प्लीट हो चुकी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये जा रही है जी सीढ़ी माशाल्लाह से। अभी जो है ना इसकी शटरिंग हुई पड़ी है, सरिये का जाल वगैरह बिछा दिया है और ये देखें जी, ये बिजली वाला जो पंखे लगेंगे ना उनके, ये क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको पंखे वाले को, पता नहीं है, पता नहीं, ये हमें पता भी नहीं है इसको क्या कहते हैं। फैन बॉक्स जो है ना ये लगा दिए हैं, पैप भी लगा दिए हैं, कुछ लाइटें वगैरह गिलास वो भी लगा दिए हैं और सरिया जो है ना कुछ काम पड़ गया था, कल फिर हमें लेना पड़ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाला काम सारा कंप्लीट है और बस इसकी जो है ना फिर वो भराई रहती है, फिर भराई करते हैं इंशाल्लाह ताला। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी चस लेंदी भी है, हैं गर्मी। अल्लाह पाक खैर करे, पहले तो मज़े किते से जी, लेकिन अब गर्मी पूछेगी हमसे है ना। चलें जी, पैप कम पड़ गया था, मेरे ख्याल में पैप भी ले आया है, एक पैप जो है ना कम पड़ गया था। ये देखें जी, पैप भी आ चुका है। चलें जी, अल्लाह खैर करे, जल्दी जल्दी जो है ना इसकी भराई हो जाए क्योंकि गर्मी बढ़ रही है। ये देखें जी, ये सीढ़ी माशाल्लाह से। आज बाहर बंदा खड़ा नहीं हो सकता, इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा शिद्दत है गर्मी की आज।
अब मैं उतर रहा हूँ नीचे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस तरह नीचे उतरना जो है ना मुश्किल है। अल्लाह खैर बेड़े पार। अब चलते हैं अंदर, अंदर दिखाते हैं आपको इसकी सेटिंग, जिस तरह शटरिंग ये करते हैं। ये देखें जी, ये टोटल बल्लियां हैं, इनकी जो है ना सपोर्ट देनी पड़ती है, ये ऊपर जो फट्टियां वगैरह खड़ी हैं ना इनको, ताकि ये जो है ना नीचे मसाला वगैरह ना आए, क्योंकि ऊपर वज़न आता है ना काफ़ी सारा। माशाल्लाह जी, हाँ जी गर्मी है, गर्मी बहुत, ज़रा शक्ल दिखा ला। ये देखें जी गर्मी की ये पोजीशन है, पसीने जो है ना रुक नहीं रहे बिल्कुल। चले अल्लाह ताला खैर करे जी। तो माशाल्लाह काम शुरू हो चुका है छत का, ये आप देख सकते हैं, इसे मिक्सर मशीन कहते हैं। यहाँ पे जो है ना मसाला तैयार होता है, बनता है, बजरी भी इसी में डालते हैं, रेत भी इसी में डालते हैं और सीमेंट भी इसी में डालते हैं, और यहाँ पे फिर मिक्स होती है, मिक्स होके फिर जो है ना ऊपर जाती है और कंक्रीट का मसाला जो है ना फिर यानी कि ऊपर छत का तैयार हो जाता है। तो वहीं पहुँच के फिर आप सबको दिखाते हैं कि कैसा मसाला जो है ना ये तैयार होता है। ये देखें जी मैं ऊपर छत पे आ चुका हूँ, और ऐसे जो है ना ये मज़दूर बेचारे खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि पाँव जो है ना ये गल जाते हैं इसकी वजह से, ये बहुत सख्त सीमेंट होता है, तो ये शूज़ पहनने पड़ते हैं, तो फिर जो है ना ये बेचारे इधर काम करते हैं। ये कितना ट्राल जाम लिया इतनी सीढ़ी थे बोला मैं तले लाया संग सा। ये देखें जी ये है माल मिसाला, ये फिलहाल जो है ना इसके ये कालम भराई हो रहे हैं। चलें जी जब कंप्लीट हो जाती है तो फिर आप सबको दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और गर्मी पे जो है ना मैं खड़ा नहीं हो सकता। तो काम हो रहा है इंशाल्लाह ताला, जब इसकी कंप्लीट भराई हो जाएगी ना तो फिर आप सब बहन भाइयों को दिखाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी शुक्र अल्लाह ताला का, काफ़ी सारा जो है ना काम हो चुका है। ये देख सकते हैं आप सीढ़ी भी लग चुकी है, ये ऊपर अभी इट पड़ी है, खुश्क इट रखते हैं ताकि ये जो है ना इसका पानी कुछ खुश्क हो जाए, ये जो है ना जल्दी यानी कि जम जाए। तो ऊपर चढ़ के आप सब बहन भाइयों को दिखाते हैं कि कितनी छत हो चुकी है, बाकी कितनी रहती है। और टाइम इस वक्त हो रहा है 3:40, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना ऐसे समझें कंप्लीट हो चुकी है छत इसकी, शुक्र अल्लाह ताला का। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये देखें जी ये दोपहर को छुट्टी की थी रोटी के टाइम, यहाँ से जो है ना फिर शुरू की है। ये देखें जी ये देखें जी ये रेत और मंगवाई है, ये और कलर की रेत है, ये हम मंगवाते नहीं है, ये जो है ना यानी कि लो क्वालिटी की होती है, तो मजबूरी में हमें मंगवानी पड़ी, और सीमेंट भी कम पड़ गया था ये भी मंगवा लिया है, और फिर से जो है ना इंशाल्लाह तआला शुरू करते हैं, बस थोड़ा सा काम बाकी रह गया है।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, काम जो है ना कंप्लीट हो चुका है छत का, और ये सामान वगैरह जो है ना अब उतार रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बड़ा सा खंभा होता है और बड़ी मुश्किल से जो है ना इसको लगाया जाता है और उतारा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सीढ़ी जो है ना साफ कर ली गई है। ये आप देख सकते हैं, ईंट वगैरह जो रखी हुई थी ना ऊपर, वो सारी नीचे उतार दी है, और अब ऊपर चढ़ के आप सबको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह छत जो है ना बिल्कुल कम्प्लीट हो चुकी है, माशाल्लाह, सुबहानअल्लाह, सुबहानअल्लाह। ये देखें जी, असर का टाइम भी हो चुका है और ये छत जो है ना कंप्लीट है, माशाल्लाह जी, सुबहानअल्लाह। और सूरज यहाँ तक पहुँच चुका है, असर का टाइम जो है ना हो चुका है, यानी कि 5 बज रहे हैं। बच्चे भी माशाल्लाह से इधर सारे बैठे हुए हैं। हाँ जी, परसों सही मस्जिद है जी, परसों मजदूरिया करे सो, मजदूरिया ना करे सो, कारी बनो, कारी कारी आवे परसों बाहर पर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मदद फरमाए, तो इंशाल्लाह ताला ये जो है ना जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। ये तकरीबन 1 हफ्ते से ज्यादा, तकरीबन 10-15 दिन भी ये इसको जो है ना खड़ा रखते हैं यहाँ पे शटरिंग को, ताकि ये छत जो है ना अच्छी तरह से पक जाए, फिर इसको उतारेंगे और इसका जो है ना प्लास्टर अंदर से शुरू होगा, बाकी बाहर से जो है ना कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला शुरू करवा देंगे, वो मशवरा करके मिस्त्रियों से, अल्लाह पाक खैर करे। अब जो है ना सामान वगैरह सारा इकट्ठा कर रहे हैं मिस्त्री, ये भराई वाले, तो फिर ये जाएंगे घर। आज जुम्मे, वैसे जुम्मे छुट्टी करते हैं, आज जो है ना छुट्टी इन्होंने नहीं की, क्योंकि मैंने कहा कि इसको जो है ना जल्दी कंप्लीट करें, दीवारें जो है ना ये जैसे आंधियां आ रही हैं तो दीवारों को नुकसान है, तो ज़्यादा तेज़ आंधी की वजह से दीवारें ना गिर जाती, इसीलिए जो है ना इसकी भराई करवा दी है अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो अब हम जा रहे हैं घर, टाइम काफ़ी लेट हो चुका है, बादल भी आ चुके हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरी मस्जिद पे हम आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं, चक्कर तो हमने लगा लिया है, वो वीडियो हमारे ओल्ड चैनल पे अल्ताफ़ फैमिली व्लॉग्स पे, अंदर प्लास्टर का काम भी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, एक दीवार जो है ना रहती है, बाकी 3 दीवारें हो चुकी हैं प्लास्टर की, और टाइम जो है ना शाम हो चुकी है, अब चलते हैं घर और वहीं पहुँच के मगरिब का टाइम होने वाला है, चलें जी अब चलते हैं घर जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पे पहुंच चुके हैं, और माशाल्लाह मेरे ख्याल में अम्मी जान और बाजी हाँ जी घर का काम वगैरह कर रही हैं, लगता है ऐसे कि सालन भी बन रहा है। हाँ जी, खुशबू आ रही है सालन की। तो इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं, और फिर यहीं से जो है ना आगे की वीडियो आप सब बहन भाइयों से शेयर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, हम रखना है 2 मिजाज फिलहाल के लिए, अल्लाह हाफिज़।